बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और मेरे साथ हैं। हाय फैमिली, नमस्ते। एंड डोलू, इट्स फैज इन द चैनल। मेरा नाम फैज है। मेरा नाम फैज है। एंड व्हाट इज आवर प्लान टुनाइट? जी, व्हाट इज आवर प्लान टुनाइट? देखो यार, कोई प्लान नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आप थंबनेल देख के पहचान गए होंगे। दरअसल बहुत दिन हो गए थे कि मैंने आपकी कमेंट्स का जवाब नहीं दिया, और कल की वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला। यार एक्सपेक्ट नहीं करा था हमने कि इतने ज़्यादा जो है चीज़ें आप लोग बोल देंगे। तो बस उन्हीं चीज़ों का जवाब देने के लिए मैं और फैज़ा यहाँ पर आ गए हैं। मेरा कोई क्लैरिफिकेशन देने का कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। कुछ कमेंट्स हैं जो कि बहुत ही विचित्र हैं, बस उन्हीं के बारे में बात करूंगा। और कुछ ऐसे आपके क्वेश्चन हैं जो आप दिल से पूछना चाहते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है कि भाई आप करते क्या हो, आपकी जॉब क्या है, आप इंडिया वापस कब आओगे, फैज़ा इंडिया कब आएगी, और हम फैज़ा को इंडिया में कब देखेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं यार जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। मुझे गुस्सा नहीं आया उन पर, क्योंकि मैं भाई मुझे कोई सच में एक ने लिखा था कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच में फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं पड़ता कि जब आप उल्टी सीधी चीज़ें लिखते हो तो मेरा मैं कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं अपने शब्दों वाला इंसान हूँ। जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, चाहे वो ईरान में हो चाहे वो भारत में हो, जो मैंने कहा वो मैंने करा। वो यार उसके डिनर का टाइम है, रात का समय है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम वीडियो जैसे चल रही है खा लेना। और दूसरी बात यार ये है, चलो दूसरी बात और तीसरी बात छोड़ते हैं, हम चलते हैं सीधे कमेंट्स पे कि आखिर कौन सी ऐसी कमेंट हैं जिसकी वजह से मुझे आपके पास आना पड़ा और जवाब देना पड़ा। इससे अच्छा मैं आपको एक और अच्छी अच्छी वीडियो दिखाता। तो सबसे पहले बहुत ही बड़ी कमेंट यार, ये भाई जो है ना जिसकी ये कमेंट है वो मुझसे बहुत नाराज़ है, मतलब हद नाराज़ है। और वो मुझसे कह रहा है कि भाई अगर तू इंडिया में होता, अगर तुम इंडिया में होते तो मैं तुम्हें 5 मिनट में सबक सिखा देता। आप देखिए इन भाई की कमेंट, तो ये रही इनकी कमेंट आपकी स्क्रीन पर। तो भाई कहते हैं कि आप बहुत, भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख रहा है, लेकिन आप बहुत चोरे पार कर रहे हो। ये जो ओम नमो नारायण बोलते रहते हो इसका मतलब भी पता है कि नहीं? ठीक है, या दिखावे में शामिल हो या दिखावे में शामिल है, जैसे माला वगैरह ये नौटंकी करना छोड़ो और एक अच्छे इंसान और एक अच्छे पति बनो। आपको फैज़ा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, पुट योर शोल्डर यार, कंधे से कंधा मिलाकर घर का सारा काम करना चाहिए। शुड आई वॉश द डिशेस? पर घर का सारा काम करना चाहिए, पर आपकी अकल सुअर की तरह मोटी है। आप खाली प्रवचन देने से सुधरने वाले नहीं है। या से ओके, लेट हर ईट। मैंने इसका मतलब उसे पहले समझा दिया। Let me clear the air. There is like two side here. Dark side and white side. The white side is about this thing that he like. I really appreciate his caring toward me, and but the other thing is that. Like sometimes it happens to even, I think it happens even to you, to most of the people, that we that come to prejudge, you know, or come to judge in a wrong way. You just you as our family just see those kind of things that we want that you see. You are not in the details of our life, in the details of our life. Okay, something between us happens. That make us more and more like how can I say,
flexible and toward each other, you know. I know that you saw some things in the videos from the worker and you become very much mad at the time, but believe me, we just kid, we are just like two crazy people with each other that always just a joke with each other. Just two crazy people, really. Because beside love in our life, we have craziness. So maybe these things make you feel like this, that he's like this, he does not help it. Oh, believe me, he just helps me very much, really. I am like this that in the life. No, he really helped me. Right now he is kidding me. You know, even the first I met, just like you, in the first, in the beginning, I felt that, oh my God, maybe he's something serious. Like, I got him serious sometimes, but he was not that much. He was not serious those times, you know? But right now I know him. He's like this. And look, I am that kind of person that if my husband does not help me, understand me, and has those kind of traditional thoughts about the life, I couldn't at all tolerate him at all, you know. And the life get more and more hard for me, because even my father is not like that. My father always helped my mother in everything, so I don't have that kind of toleration to live with a person who is full of the traditional thoughts and who is not supposed to help me. तो भाई उम्मीद करता हूँ तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया होगा. अच्छी बात है, तुम उसके बारे में अच्छा सोचते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन तुमने यहाँ पे कहा कि मेरी जो अकल है वो सुअर की तरफ मोटी है. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब क्योंकि तुमने यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ लिखी है जिसकी वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो मैं बहुत कुछ कह सकता था. और लेकिन पहली चीज़ का मैं आंसर ज़रूर देता हूँ कि ओम नमो नारायण का मुझे मतलब पता है. भाई मुझे पता नहीं यार, तुमने कौन से ग्रंथ, कौन से वेद पुराण में पढ़ा है ओम नमो नारायण का जो मतलब है, तुम्हें जो पता है. मेरे हिसाब से तो भाई ओम नमो नारायण कुछ और ही है जो शायद तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा. तुम्हें जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक तुम किसी साधु संतों के बीच में नहीं बैठोगे. जीवन में कभी किसी साधु संत की सेवा करो, किसी तपस्या में जाओ, संतों की सेवा करो, संतों के लिए कुछ करो, तब मुझे ये शब्द आगे बोलना. और सनातन इतना प्रचंड है, इतना बहुखंड है, इतना विशाल है, इतना विराट है, इतना ज़्यादा ब्रह्मांड में सनातन का आप सोच नहीं सकते हो. ब्रह्मांड की तरह सनातन है और सनातन ही ब्रह्मांड है. तो कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है कि ये माला या तिलक या देखो, किसी ने हमारे लिए कुछ ग्रंथ, कोई किताब नहीं लिखी है. अपनी अकल से चलो, जो तुम्हें मानना है वो मानो. बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि भाई माला अंदर कर ले, माला अंदर कर ले. भाई तुम्हें क्या पता है इस माला के बारे में, तुम्हें तो एक माला दिख रही है लेकिन शायद कुछ और हो. समझो मेरी बात को, इशारा काफ़ी है. तो ये बोलना कि सनातन में सिर्फ यही होता है, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए, तो फिर भाई फ़र्क ही क्या रह जाएगा सनातन में और दूसरे मजहबों में. भाई हमारा सनातन ऐसा है जिसमें कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, जिसमें कुछ ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कि तुम्हें यही करना है. इसलिए हमारे सनातन में इतने देवी देवता हैं कि तुम जैसे मानना चाहो उसे मानो. और इतने सारे हमारे सनातन में समुदाय हैं, नाथ पंथ हैं, जूना अखाड़ा है, तुम जहाँ जाना चाहो, जिस संत की सेवा करना चाहो करो. इतनी छोटी सी बात अगर तुम्हें समझ में नहीं आती तो भाई कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता. दूसरी बात आती है, फिर इसके हम अगले पार्ट पे आ जाते हैं कमेंट पे, कि फायजा ने अपने परिवार को के खिलाफ जाकर ये सब करा और फिर भी के खिलाफ जाकर आपको चुना है उस बेचारी ने. परिवार और अपने समाज की क्या क्या बातें सुनी होंगी और फिर भी वो डट कर आपके साथ खड़ी है, पर आपको इसका ज़रा सा भी एहसास नहीं है. आप जबकि आप में ऐसा कोई विशेष गुण नज़र नहीं आता. और हैरानी की बात यह है कि फिर भी आपको या आपके परिवार वालों को बिल्कुल शर्म नहीं आती. आप यहाँ कहाँ आसपास होते तो 5 मिनट में
सब समझा देता। देख भाई ये बात तुमने बहुत गलत बोली है, मेरे लिए बोल ले, परिवार के लिए नहीं बोलनी चाहिए थी, जो भी है तू ठीक है, तू 5 मिनट में समझा देगा, मैं तुझे 2 मिनट में समझा दूंगा ठीक। अगर मैं ईरान में आके सनातन कर सकता हूँ, तो हिंदुस्तान में रह के तुझ जैसे को तो बहुत निपटा सकता हूँ। तो या तो तू अब्दुल है, और अगर अब्दुल नहीं है कोई और है, तो भाई 5 मिनट में नहीं, मैं तुझे 2 मिनट में समझा दूंगा। परिवार का जिक्र मत करना, आज तुमने नाम ले दिया, आगे मत लेना, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ। उसकी केयर कर तो करो यार, अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ उसको प्यार मिले हिंदुस्तान से, और जो लोग प्यार करते हैं उन्हें ज़रूरत ही नहीं है उनसे कहने की, वो मुझे जानते हैं भाई, मैं शब्दों का इंसान हूँ, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। परिवार वाली बात मत करना, 5 मिनट में नहीं, मैं तुझे 2 मिनट में समझा दूँगा, और मैंने बहुतों को समझाया है, जाके वीडियो देखना मेरी ठीक है, बहुतों को समझाया है। और अगर तू हिंदू है तो तुझे मैं पाठ पढ़ा दूंगा, और अगर तू अब्दुल है तो तुझे मैं सबक सिखा दूंगा। आगे आते हैं, खैर आपके खुद के भविष्य के लिए ये अच्छा है कि आप अपनी आदत सुधारें। भाई मेरी आदत बहुत सुधरी हुई है, इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ मेरी लोगों से दोस्ती हो जाती है ठीक है, मेरी आदत ही ऐसी है, मेरी एनर्जी का ओरा ही ऐसी है, मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ मेरी सबसे दोस्ती हो जाती है, सब मेरे दोस्त बन जाते हैं ठीक है, और मैं दोस्ती को दोस्ती तक सीमित रखता हूँ। और नारायण से पहले श्री लगता है, यानी महालक्ष्मी सनातन में स्त्री को हमेशा पुरुष से ऊपर रखा गया है। भाई तू किस किस सनातन की बात कर रहा है, मुझे तो तेरी बात ही समझ में नहीं आ रही यार। ओम नमो नारायण का इससे कोई मतलब नहीं है, तू जा जूना अखाड़े में किसी नागा साधु के पास जाके बैठ, तुझे समझाएंगे वो। तो जो ये सनातन की बात करता है मुझसे, सनातन, अब तुमने क्या कराया सनातन के लिए, पहले बताओ तुमने करा क्या है? तुमने किसी साधु संत की सेवा करी है? तुम किसी अखाड़े में जाते हो, साधु संतों में बैठते हो, ज्ञान ध्यान करते हो? जब नहीं करते हो ना तो ज्ञान मत दो, समझ रहे हो, जब नहीं करते हो ज्ञान मत दो किसी भी रूप में, और अगर देते हो तो ये फालतू की बातें मत करो, मुझे तो ज्ञान दो मत, क्योंकि मुझे तुम्हारे ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन मिल जाओगे उस दिन इकट्ठा ज्ञान मैं दे दूंगा तुम्हें। इसलिए जो लोग जो मुझे जानते हैं ना वो मुझसे बड़े सोच समझ के बात करते हैं इस बारे में। चलो ठीक है, ज़्यादा इसको नहीं खींचते, आगे चलते हैं। अच्छा इसकी एक और कमेंट आई है यार, बड़ा ही नाराज़ आदमी है मुझसे ये, मिस्टर दिवाकर आपको पहले भी लिखा था कि आप फायज़ा को बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते हो। आई डोंट रेस्पेक्ट यू, जस्ट अ मिनट, मुझे बिल्कुल उसका मजाक उड़ाते रहते हो, जबकि वो आपको दिल से प्यार करती है, वो चाहती तो ईरान में अच्छे से अच्छे लड़के से शादी कर लेती, और घर के काम में भी उसका हाथ नहीं बटाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और वो अपनी टीचिंग जॉब भी करती है, आप मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले लगते हो, लालत है आप, लालत। ही सेइंग दैट यू आर मेकिंग फन ऑफ हर एंड यू आर नॉट हेल्पिंग हर इन द वर्क, एंड इफ शी वॉन्ट शी कैन हैव अ गुड बॉय इन लाइक इरानियन बॉय, एंड शेम ऑन यू, एंड यू आर जस्ट लिसन, यू डू योर टीचिंग जॉब एंड यू आर जस्ट लेइंग डाउन ऑन द बेड और ऑन द ग्राउंड एंड यू आर जस्ट ईटिंग लाइक add something new, but something's new. The thing is that that person, like this person, whose comments were being read, he just took so much, I think, so much like time to write these comments, okay? So it shows caring. But sometimes we have to be careful, because sometimes caring comes with judging, prejudging, okay, wrong judging. I mean, I said to you, you are not in our life details, and you don't see our small behavior toward each other that makes us makes our general behavior toward us, okay, small than general ones. Okay, the bigger behavior. You just see something, you just see some, like, as if you see a castle, but you don't see
what is thoughts are in this castle. It is like that, okay? You see the castle and you said, oh my god. For example, like this castle is like this, it is so big and it is so like ugly. But you don't know when you open the door of this castle, it is full of the beautiful things and it is just so much clean, you know? It is just something that you see from outside, but you don't see the inside of it. And I can understand, because as I told you, you are not in the details of our life. The second thing is that actually, you know, he is that much into the work and not into working like with technology and this thing that much, that sometimes I really get mad with him. Several times it happened. I had a fight with him because of this thing. Because several times I said to him that, why you don't care about the meals? I am making the meals, okay, the meal is ready, but you don't eat. Why you are that much into your work? I am literally just mad with you because of this kind of behavior that you have. You don't care about you. So several times I said to him, you know, he's that much into work. I am very much honest, okay? The third thing is that, family, right now I am on my holidays. I don't know my job. भाई उसकी छुट्टी हो गई है, टीचिंग मीटिंग पूरी हो चुकी है उसकी. Yeah. The fourth thing is that अब जो करेगी इंडिया में आके करेगी. As much as I can, I just force myself to protect my self-esteem and self-confidence, you know? So I never let anybody to disrespect me or to I never let anybody that kind of person who is like who wants to disrespect me, who wants to underestimate me, enter my life, you know? So if he is here, just be sure that he passed from all these filters. ओके मच्ची. तो भाई तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया, काफ़ी लंबा चौड़ा जवाब था. और इसी जवाब में बहुतों के इसी के सवाल में ना बहुतों के जवाब मैंने दे दिए हैं, तो मैंने इसलिए ज़्यादा कमेंट्स नहीं लिए हैं. तो भाई अब हम चलते हैं अगली कमेंट की तरफ, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कमेंट है. ये भी कल वाली वीडियो पे ही आई थी. These people, I know that they insult you, but they really... But look, they like you, they care about you, but I've become the villain for them. It's like, okay, because they cannot understand. And some of them just hate me because they find that, why she choose him? Look at him, he don't have anything. Look at us, we are like, we are supermodels, we are here, alive, no, why? No, it's not like that. At least this kind of person, like this person that you said, like you read his comments out there. I know you got offended, and I'm not offended. I'm literally not offended. Bas parivar wali baat mat karna. Family. You got shocked, baby. No. He said something that shame on you and your family. That's why I get very much angry. That is a very much dark side. Yeah. ओके तो चलते हैं हम अब अगली कमेंट पे. और ये कमेंट जो है वो तीन कमेंट हैं, एक ही कमेंट के नीचे भाई एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. तो लिखते हैं दिवाकर भाई, चक्कू से डराने वाला मजाक मत करना, फायजा की नज़र में तुम्हारी इमेज गलत हो जाएगी. भाई अपने बालों को स्मार्ट रखिए करो, ईरानी तुमसे ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं. भाई भारत की प्रतिष्ठा की बात है. ही इज सेइंग दैट Yeah, why you just hold in front of her, your image get spoiled in front of her, and please take care of your hairs. Iranians look more beautiful than you. It is the thing of nation. Like you are representing our nation. मेरे बालों से मेरा nation represent होता है. Is my nation is representing from my hair and my look? यार क्या बात करते हो यार तुम लोग. लिसन टू मी क्लियर. देखो मेरा नेशन मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जब मैं
अलवंद पे चढ़ाई करता हूँ, फ्लैग ऐसे करता हूँ ना, तो मैं अपना नेशन रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे बालों से मेरा नेशन रिप्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर इरानियंस मुझे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मैं छूटते ये कहता हूँ कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारत का हूँ, तो वो प्यार मुझे इसलिए करते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई ये तो इंडियन है, इसके तो बाल ही ऐसे हैं, इसके कोई मेरे को कोई ऐसा ईरानियन नहीं मिला। नो ईरानियन से मी अबाउट माई हेयर्स, इब्राहिम नथिंग, दोज लाइक व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, आसिन, हाफिज, नेवर एवर से अबाउट एनीथिंग अबाउट माई लुक्स। No matter how much you are good looking, how much you are handsome, how much you are beautiful, when you don't have a good inner, when you don't have a good morality, when you don't have good behavior, nobody cares anyone. Even, you know, I don't want that you get offended, but in Iran it is like this, that the less educated people, okay, or those kind of people who are are not considered as civilized people, thinking this way that appearance, just appearance is important, just appearance. In Iran, it is like this, that you have to be clean, you have to care about your hygienic things, and you have to be a like hardworking person, and that's enough, you know? Oh, cleanliness and hygienic आपको एक बात बता देता हूँ, Iranian लड़कियों को बिल्कुल भी looks से मतलब नहीं है. Iranian girls don't see looks that much. Like, of course, they see something, but not that much into looks. What I think that Iranian girls see, manners. In the way that I said to you, that the person like knows what to wear, the person is stylish, the person be clean, the person is be hygienic, you know? In this way, like, being beautiful is not that much important for them, but being stylish, like, you know what to wear, how to make the colors that match each other, and like be hygienic, be clean, is enough, you know. And I'm talking about appearance, but first behavior and morality is so important. तो दोस्तों ये जो कमेंट थी, इसने भाई ने ये लिखा कि मैं नेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो भाई मेरे बालों से नेशन रिप्रेजेंट नहीं होता, मेरे लुक से नहीं होता, मेरे कर्मों से होता है, मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, ठीक है, वो कर्म मैंने करा है तो मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, नहीं कर रहा हूँ तब भी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड डोंट लुक एट हिम लाइक दिस फर्स्ट इन माय आईज एंड आई डोंट नो आई थिंक ही इज सो मच हैंडसम ओके नो रियली डोंट से इट्स हैंडसम डोंट से कमेंट्स आर कमिंग नो बट यू हैवंट सीन द टाइम दैट ही वाज लाइक फिटनेस वी से फिटनेस ही वाज या ही वाज फिटनेस. Okay, you haven't seen that time. When you see him that time, like when you see him in that shape, you will definitely change your comment. Okay. Let them comment. भाई लुक से कुछ नहीं होता, पैसे खर्च करो, बॉडी बना लो, अच्छे लगोगे, इतनी सी बात है। उसके नीचे भाई एक कमेंट करता है कि दिवाकर भाई किसी भी कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, शायद हम लोगों में इंटरेस्ट ना हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं कमेंट तो सबकी पढ़ता हूँ, लेकिन यार मैं जवाब अगर मैं किसी एक का दूंगा तो मुझे लगता है मुझे सबके जवाब देने चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता या मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं भाई सबके कमेंट, एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, और ज़्यादातर अच्छे कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब लोग लिखते हैं ना, जय श्री राम, ओम नमो नारायण, और वी लव यू दिवाकर भाई, वी लव यू फायजा, सो वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। नेगेटिव कमेंट का मैं ज़्यादा गौर ही नहीं करता, पहले मैं बहुत करता था, अब नहीं करता हूँ। और मुझे पता है आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे कि हाँ आप गौर मत क्या करो, तो मैं नहीं करता हूँ। नीचे भाई लिखता है कि भाई वो हमेशा कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो मन करेगा करूँगा, कहाँ से ज्ञान लेगा। तो भाई नहीं, ज्ञान नहीं लूँगा, सच बात है, जो मेरा मन करेगा वो मैं करूँगा, और मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मुझे उल्टी सीधी कमेंट करोगे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप करते रहो। फिर से कह रहा हूँ, जो मुझसे प्यार करता है, जो फायदे से प्यार करता है, वो करता रहेगा मेरे बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे, वो मुझसे प्यार करेगा और वो मेरा साथ देगा, क्योंकि आपके ही प्यार की मुझे ज़रूरत है। मुझे ऐसे फर्जी प्यार की ज़रूरत नहीं है जो मुझे फालतू की चीज़ें बोल रहे हैं, नहीं 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 भाई। और कहीं भी, मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, कहीं भी सनातन को झुकने नहीं देंगे, कहीं भी देश को नहीं, देश की जो इमेज है वो कभी ख़राब नहीं होने देंगे। हमेशा काम और कर्म ऐसा ही करेंगे कि याद रखेगा बंदा कि एक हिंदुस्तानी आया था, एक भारतीय आया था। अगली कमेंट ले लेते हैं।
सो नेक्स्ट कमेंट वी आर टेकिंग, भाई आप काम क्या करते हो या बस वीडियो ही बनाते हो, घर का खर्चा कैसे चलता है? उसके नीचे कमेंट है भाई हेयर ट्रांसप्लांट करा लो। उसके नीचे कमेंट है दिवाकर भाई सनातन धर्म में विवाह एक धार्मिक कार्य है और जन्म जन्म का साथ मानते हैं। दूसरी विचारधारा में विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट की एक एग्रीमेंट माना जाता है, इसको समझो, वक्त लगेगा, विचार ठीक हो जाएंगे, पेशेंस रखो, फायजा एक अच्छी लड़की है, उसको थोड़ा स्कोप देना चाहिए। स्कोप मैं कह रहा भाई स्पेस लिखना चाहता था, लेकिन ये तीन कमेंट हैं जिनका मैं जवाब देता हूँ। तो भाई सच में खर्चा जो चल रहा है, मैं काम क्या करता हूँ, जो मुझे आप देख रहे हो ना, यही मेरा काम है। मैं वीडियोस करता हूँ और इतना ही बहुत है। आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए कि भाई आप, मुझे नहीं पता यूट्यूबर्स को कैसे लेते हो, यूट्यूबर्स बहुत मेहनत करते हैं भाई। मुझे लगता है आम आदमी जितना जॉब करता है उससे ज़्यादा मेहनत एक यूट्यूबर करता है। बहुत लोगों को लगता होगा कि वीडियो बनाना बहुत आसान है और वीडियो बनाने में कोई खर्चा नहीं होता। मैं आपको खर्चे गिनाने लगूंगा ना तो आप भी चौंक जाओगे। जितने का कैमरा है, जितने की चीज़ें आती हैं, इंटरनेट आता है, इधर उधर आना जाना होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं यार। तो आप यूट्यूबर को मैं नहीं रेस्पेक्ट देना सीखो, और नहीं दोगे तो मुझे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको यूट्यूबर को रेस्पेक्ट देनी चाहिए भाई। ये भी एक प्रोफेशन है। लोग बहुत ऐसे लोग हुए हैं जो अभी तक के बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हुए हैं, तो वो पहले कहीं कुछ करते थे, वो छोड़ के वो यूट्यूबर बने हैं और आज वो बहुत बड़ा नाम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी करो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोफेशन है, उसको प्रोफेशन की तरह लो। मेरा प्रोफेशन यही है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, आप मुझे एक ऐसे ही देखो, आप इस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करो। और अगर कोई आना चाहता है तो मुझसे सवाल जवाब करो, मैं उसे बताऊँगा, ठीक है। मेहनत बहुत लगती है यार इसमें, मैंने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ तक आप लोगों ने जो प्यार दिया, यहाँ तक आने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। कभी उसका भी संघर्ष आपको बताऊँगा, फाइजर को पता है, फाइजर नोज अबाउट द स्ट्रगल दैट आई हैव डन। तो ऐसा नहीं है। और नीचे भाई लिखता है, अब आपके जवाब मिल गया भाई, हेयर ट्रांसप्लांट करा लो। शुड आई डू हेयर ट्रांसप्लांट हेयर? इट्स वेरी मच चीप हेयर, हेयर ट्रांसप्लांट। ही इज सेइंग दैट यू हैव टू डू हेयर ट्रांसप्लांट। व्हाटएवर यू वांट। तो भाई हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे, करा लेंगे। यू नो इवन लेट मी जस्ट कंप्लेन, इवन आई लाइक इट, इवन ही लाइक इट, इवन ही सेड इट सेवरल टाइम, बट इट इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर अस राइट नाउ, लाइक वी कैन डू इट समटाइम एल्स, लाइक सम अदर टाइम, यू नो। कर लेंगे, आपकी बात मुझे पता है, हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे। थोड़ा बहुत अभी क्या है, अभी देखो सब कुछ अभी शुरुआत हुई है, खर्चे बहुत हैं। आप लोग प्यार दो, जितना ज़्यादा प्यार दोगे उतने ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मैं कर पाऊँगा। और नीचे जो भाई ने लिखा है सनातन धर्म के बारे में, बहुत सही बात लिखी है आपने और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और ही सेइंग दैट कीप पेशेंस एंड गिव सम स्पेस टू फाइजर। आई एम नॉट गिविंग यू स्पेस, माय फ्रेंड हैज स्पेस, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। नहीं ठीक है, आपकी बात मुझे अच्छी लगी और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट जो आप देख रहे हो वो सिर्फ वो चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट वो उसको उसकी लाइफ अलग है। मैं उसे कभी भी प्रेशराइज नहीं करता किसी चीज के लिए। Look, you just sit at this castle in the darkness, that the sun come and you can see the castle is not that much ugly that you think. Okay, next comment ले लेते हैं जल्दी से। दिवाकर भाई प्लीज शो योर मैच्योरिटी लेवल। भाई ये कमेंट कल की वीडियो पे बहुत ज्यादा आ रही थी। प्लीज शो योर मैच्योरिटी लेवल। मैच्योरिटी इज लाइक व्हाट? आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मैच्योरिटी दू। भाई आप मुझसे मैच्योरिटी में क्या चाहते हो? मैं ओसो बन जाऊं वीडियो में? शुड आई बिकम ओसो दैट आई गिविंग सम यू नो अबाउट स्पिरिचुअलिटी और आई टॉक अबाउट दीस थिंग्स? भाई इवन दीस थिंग्स आर गुड बट एवरीवनस लाइक स्टाइल इज डिफरेंट, एवरीवन आई मीन मेथड इज डिफरेंट, एवरीवन। लेट मी क्लियर दैट। देखो भाई जिसने ये कमेंट करा है मैच्योरिटी लेवल, मुझे आपकी मैच्योरिटी पे डाउट है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आई एम डाउट ऑन देयर मैच्योरिटी दैट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट्स गोइंग, हाउ इट्स मूविंग। पहले मैं ईरान आया, देयर इज अ लव स्टोरी, देयर इज अ स्ट्रगल, ओके। पहले स्ट्रगल हुआ, फिर फायजा इंडिया आई, इमोशंस हुए बहुत ज़्यादा, रोना धोना हुआ, प्यार मोहब्बत हुई, उसके बाद हम सक्सेसफुल, हमारे सब चीज़ें हो गई, अब एक दूसरी लाइफ शुरू हो गई। इट्स बिगन अ न्यू लाइफ, यू अंडरस्टैंड?
कैसे कैसे बात चीज़ें ऊपर हो रही हैं। तो इस मैरिज लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक हस्बैंड वाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हंसी मजाक होता है, रोना धोना होता है और लड़ाई झगड़े होते हैं, प्यार मोहब्बत होती है, अब हर समय मैं उसे किस तो नहीं करूँगा। Believe me, no life would be remains with just with just seriousness. Love is not everything, you know. Love is what? Love is what? You know, everybody has different his or her own definition from love. But for me, love is everything. Like, love is not just liking that most of the people know. Love is caring. Love is being crazy at some special times. Love is showing some romantic things, you know, all of them that make you just from here to here, you know. Bhai, it's love. जो love की बात है, कल मैं उसके साथ movie देखने गया था. Persian movie थी, फारसी में थी, सिर्फ उसे देखना था, इसलिए मैं उसके साथ गया और मैंने फारसी में movie देखी. और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं क्योंकि वो चाहती थी इसलिए मैं गया. तो यार मैच्योरिटी लेवल जो होता है ना, जो आप देख रहे हो, आप मुझे भी नहीं पता आप किस तरीके से, मैं मुझे तो आपकी मैच्योरिटी समझ में नहीं आ रही जितने भी लोगों ने कमेंट करा है. आपको समझना चाहिए कि लाइफ का जो होता है एक स्टेज होती है, धीरे धीरे होती है. प्यार मोहब्बत हुआ है, लोग 3 साल का रिलेशन, अब 3 साल 3.5 साल का रिलेशन सोचो मैंने कैसे बिना मिले कैसे करा होगा. You need to be in your real version, okay? So when you want to be real, then everything happens. Like sometimes you are serious, sometimes you want to be crazy and joking and not taking something serious. Sometimes you're like this, some things you're like that. It's just super normal. It is the insect of you. It is the insect of us. It is the insect of the humans. Okay, instinct of the humans. Okay, so it is something that is in our inside. Sorry, it is something that is in our inside. If you wanna live happily, you have to be real. Don't be fake. Mm-hmm. Like. Always I say to him that it is even very much gross, huh? What do you think? People. I love you. Every time, why should I have even, to be this much fake? Be real. I see many people who used to their the base videos is like that, is love, and all they are doing is just crying for their love, kissing their love. देखो भाई, it is something fake and there's something exaggerated. मेरी maturity यही है कि मेरी आप सब वीडियोस में देख लीजिए, ये जो प्यार मोहब्बत है इसमें कहीं भी आपको वल्गैरिटी नहीं नजर आएगी. मैच्योरिटी इज समथिंग लाइक मैच्योरिटी इज डिफाइंड लाइक दिस दैट यू एक्सेप्ट दैट लाइफ इज फुल ऑफ डिफरेंट थिंग्स. या एक्जेक्टली, इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक दिस रोलर कोस्टर. इवन इफ वी शो लव, सो द लव शुड बी. आप मेरी एक भी वीडियो में देख लीजिए जिसमें मैं आपने देखा हो मुझे फाइजा हग कर रही है लाइक ऐसे, या मैं फाइजर को किस कर रहा हूँ. भाई मेरे दायरा है एक आपको दिखाने का, उस दायरे से मैं बाहर नहीं जाता हूँ. आप वही देखते हो, मेरी मैच्योरिटी लेवल ऐसी है कि भाई मैं आपको कभी वल्गैरिटी नहीं दिखाता अपनी वीडियोस में. देखो मेरे हिसाब से वो प्यार है, आपके हिसाब से वो वल्गैरिटी हो सकती है, लेकिन मैं क्योंकि मुझे पता है हमारी वीडियोज़ हमारी फैमिलीज भी देखती हैं, दैट आर वीडियोज़ आर ऑल्सो आवर फैमिलीज वॉच. Yeah. फाइजा के फादर देखते हैं, मेरी फैमिली देखती है, तो मुझे वो सारी चीजें मेंटेन रख के इतने चलने हैं. सो इवन द वर्कर नो दिस थिंग दैट आई हैव दिस काइंड ऑफ बिहेवियर दैट इन फ्रंट ऑफ, या समटाइम्स आई जस्ट लाइक आई मेक सम काइंड ऑफ बेबी वॉइसेस एंड आई जस्ट बी लाइक बेबी लाइक दिस क्रेजीनेस दैट आई सेड टू यू दैट लाइफ हैज एवरीथिंग लाइक जस्ट डोंट टेक लव दैट मच सीरियस. But even he knows that in front of people, I don't like to please take your hand, take my hand, give your hand to me. Oh my God, I am not really like this, and I feel very much embarrassed in front of people to, be in exaggerated way. And I am not blaming those kind of people who are doing this. I am saying that I'm not like this, and I think if I want to do such things. Every time, it is just fakeness. It is just being fake. I don't want to be fake. तो आप भाई मेरा maturity level जान गए, और अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं मेरा maturity level कम है,
तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भाई नीचे वाली कमेंट देखते हैं और उसमें लिखा है, ये चक्कू वाली बात गलत हरकत थी भाई, आगे ऐसा कभी मत करना, बुरा मत मानना, पर फायजा को देखने के लिए वीडियो देखते हैं, उसके उसके साथ ऐसा बिहेव मजाक में भी मत करा करो, अच्छा नहीं दिखता। ही सेइंग दैट यू शो द नाइफ टू फायजा, इट्स नॉट अ गुड थिंग। इट वाज अ कंप्लीट किडिंग रियली, इवन आई शो द पैन टू हिम। And he said that just because of Faiza, I watch videos or ऐसा मत किया करो, अच्छा नहीं लगता, I don't like it. He was, I noticed that he got worried. He got worried and he got concerned about what's here. Like he just put himself in my shoe and he just, like, he had this kind of feeling that, oh my God, he didn't do a good thing. Oh, offend ho gaya. No, really, I appreciate him. I appreciate the words that he said, but don't, I am saying this to his or she is? He. His, that is like so kind of you to say such thing. But the thing, the real thing is not that, like, is not in the way that they think. No, it's okay. We have a lot of joking with each other. आपको ऐसा लगता है कोई नहीं, but जो मुझे लगता है कि यार, don't take it serious. It was nothing really. चलो ठीक है, आपने मतलब आप केयर करते हो उसकी और आप फिक्र करते हो, ये अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं, एक साथ चार कमेंट्स हैं। How many comments are remaining? Some. Bro, you have decided to settle in Iran? नहीं भाई, बिल्कुल we are not settling in Iran. We come back to India very early. We had a celebration. After that, we come to India. It's a good thing that you are supporting your partner in domestic help as a house belongs to both. He really helps me. Thank you. At least आपने तो समझा दीपक जी, what is name? दीपक भार्गव आपने समझा कम से कम। Thank God he is not like he is so much. We say cooperative. I think cooperative person. Give respect to your partner and be patient. So चलो ठीक है, ये आपकी advice है आपके। Without helmet चलान कटेगा। भाई यहाँ पे helmet नहीं पहनता कोई। Here's nobody, like I'm with Ibrahim and we are not wearing helmet. There's no helmet here. We have no helmet नहीं है भाई यहाँ पे। You know we have a law that we have a rule. I think the rule is better to say. We have a law that is said that the motorcyclists, I mean the motor riders, have to wear the helmet, but it is not that much strict. Just in some places it is. तो helmet कोई नहीं पहनता, मैंने किसी को नहीं देखा। Next comment ले लेते हैं, दिवाकर भाई जोरू का गुलाम बन गया। He said that दिवाकर brother you become a slave of your wife. A what? Slave of your wife. It is, look, don't be this much traditional, you know. In life, neither me nor him is superior. Mm. Both of us are the same. Mm. Both of us have to help each other. Mm. It is the mutual life. It is not the dictator life, okay? अगला कमेंट है, भाई भैया ईरान में ऑयल कितने का है प्लीज। भाई ईरान में ऑयल 10 रुपए लीटर है और 40 जो फाइजा के फादर हैं बाबा, उन्होंने उनका जो गाड़ी है वो 40 लीटर का टैंक है और वो सिर्फ 650 रुपये में हो गया था, इतना मुझे ध्यान है एग्जैक्टली, लेकिन 10 रुपए लीटर है। अब कैलकुलेट कर लेना, गलत हो तो कह देना, लेकिन मुझे एग्जैक्टली 10 रुपए लीटर है समझ में आता है। स्पॉन्सर्ड दमाद नीचे लिखा है, स्पॉन्सर्ड दमाद, इसका मुझे मतलब समझ में नहीं आया। अगर तुम ये कह रहे हो कि स्पॉन्सर्ड सन इन लॉ, स्पॉन्सर्ड सन इन लॉ, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई फायजा के घर वाले ही सारा खर्चा कर रहे हैं, तो अगर मैंने आपको खर्चा बता दिया तो इतने खर्चे में आप अपने घर में दो शादी कर दोगे जितना मैंने किया है, तो इसकी बात मत करना खर्चे की, इसके बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे। एक अब कमेंट जो लिखा है वो लिखा है क्रिंच कॉन्टेंट कॉन्टेंट। भाई आपको लगता है क्रिंच कॉन्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत देखो। तुम इसी लायक हो क्लीनिंग के लिए, अपनी मदर के बारे में सोच लो, असुरों की तरह हंसते हो, दिखावा करते हो, नौकर बनते। He said that you are the cleaning thing we had done, that you deserve that and you are not thinking about your mother and you laugh like a devil and you become a servant. It is I think it is from a child, it is from 10 year old child. ये पाकिस्तान से है भाई कमेंट।
Even the 10-year-old children are very much wise. Sorry for those children who are in this age. You're more wise than this comment. Uh-huh. That is commenter. फिर नीचे भाई comment है एक you are pro pure. Really? Wait. Really, in this century, there are still some people that thinks that the men must not help the wives. Who are you really? Are you in this century? Oh my God! Wake up. अच्छा okay then नीचे comment है your pure love each other that will be India's pride. बहुत बढ़िया comment है यार बहुत शुक्रिया देखा और नीचे फिर अब अगला comment ले लेते हैं your vlog is I feel sleepy. Much wait अगला comment ले लेते हैं your vlog is unprofessional please improve. Okay मैं कोशिश करूँगा आपने कहा unprofessional हो सकता है कहीं पे हो तो ठीक है दिवाकर भाई चक्कू से डराने वाला मजाक फायजा की नजरों में तुम्हारी में ओके ये हो गया है क्या घर जमाई बन गए हो ईरान में ही सेड दैट यू बिकम अ सन इन लॉ हु इज जस्ट डिपेंड ऑन हिज वाइफ्स पेरेंट्स मुझे घर जमाई का मतलब नहीं पता नहीं भाई घर जमाई नहीं बना ये जो है ना ये सब का पे करता हूँ मैं ही कर रहा हूँ पे कर रहा हूँ सारे खर्चे मैं ही उठा रहा हूँ Even things that we buy, all the things that we buy, even the rent of this house is on him. तो अगला ले लेते हैं कमेंट दिवाकर बेटा अब वहीं रहने का इरादा है क्या वापस मम्मी के पास नहीं आना याद नहीं आ रही मम्मी की लेकिन मानना पड़ेगा ईरान में बहुत बहुत साफ सुथरा देश है बाजार कितना साफ सुथरा है वहाँ ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं दिवाकर मम्मी इंतज़ार कर रही है नमस्ते बिल्कुल धन्यवाद आपका मुझे ऑफकोर्स मैं अपनी मदर से डेली बात करता हूँ फाइजा भी बात करती है और बहुत ही जल्दी हम लोग इंडिया वापस आएंगे ऐसी कोई बात नहीं है और आपकी जो ईरान के बारे में सोच है वो बिल्कुल सही है ईरान बहुत नीट एंड क्लीन है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और हाँ मुझे पता है हमारी जो माँ है हमारी मदर है वो इंतज़ार कर रही हैं ताकि हम जल्दी से वहाँ जाएँ और वहाँ पर अच्छे से फाइजा का स्वागत सत्कार और फिर से एक अच्छा सा सेलिब्रेशन जिसमें आप सब भी आएँ और आप सबको भी बुलाया जाएगा I am from Nepal. I am a big fan of you, bhai. Love you. Bhai, love you too. और fan नहीं कोई मेरा fan मत बनना सब मेरे भाई हैं भाइयों का कोई fan नहीं होता तो कभी मत कहना मेरा fan कोई fan नहीं होता आप मेरे भाई हो Bro, don't irritating action like that in future. Even it's a joke or funny disappointing. मैंने इस बात का शायद जवाब दे दिया है ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब आप समझो इस बात को तो अगले से नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं फाइजा भाभी को हम लोग भारतीय विवाहित नारी के रूप में देखना चाहते हैं बिल्कुल देखेंगे आप बहुत जल्दी देखेंगे मेरे भाई और जैसे ही हम इंडिया आएंगे आप सारी चीज़ें देखेंगे फिलहाल ईरान में है तो ईरान के तरीके से रहना पड़ेगा भाई जिस देश में हो उसी तरीके से रहो फाइजा भाभी के साथ आप स्वदेश कब वापस लौट रहे हो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता लेकिन एक महीने से ज़्यादा का समय लगने वाला है भाई मैं नेपाल से हूँ फाइजा भाभी को एक बात बोल देना मेरी तरफ से बोल देना कि नेपाल का एक बंदा आपको नमस्ते बोल रहा था वीडियो में बोल देना तो भाई ही इज़ फ्रॉम नेपाल ही इज़ सेइंग टू यू लाइक ही इज़ सेइंग दैट आई एम सेइंग नमस्ते हाँ नमस्ते हाँ भाई ने नाम नहीं लिखा यहाँ पे कोई नाम नहीं है और अब अगला कमेंट ले लेते हैं दिवाकर डोंट बी स्टूपिड थिंग्स टू मच डोंट डू इट स्टूपिड थिंग Too much. It's not good for your relationship. It is good. You're showing knife. Faiza is just shocked. ऐसा कुछ नहीं है भाई. इसका जवाब मैं दे चुका हूँ. भाई अपना attitude बदलो नहीं तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा. I didn't get shocked. You know, I just got so look. Getting getting shocked in negative way is different from getting shocked in like positive way. And it is even different. Getting shocked is different from getting surprised. You know, these are some different things. You know, when I know him. I know that when he puts a knife in front of me, like, okay, the insect, for example, something like an apple fall down, he goes like this, but it means that tree or the apple is supposed to hurt you. It is not like that. I don't know if I am, I have seen nonsense. I'm talking nonsense. No. You become... No,
No. I wanted to say this thing. No, I don't know what I'm saying. Is it? I'm very stupid right now. Samajh gaya. I know him, and I know when he was a knife to me. He's not supposed to kill me. You know. I just got shocked because suddenly it was a rapid movement. So with the rapid movement, like when the is exactly like a time that the apple. भाई समझ गया ना. देखो यार ऐसी कोई बात नहीं थी. नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं भाई. अपना एटीट्यूड बदलो नहीं तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा. फायजा को ज़्यादा नाराज मत करो. ही सेड चेंज योर एटीट्यूड अदरवाइज दिस आर नॉट गोना बी हैपन फॉर मैनी डेज एंड डोंट मेक फायजा एंग्री. यस You have to be aware of my anger. देखा यार ये बात सही बोली तुमने. Otherwise, I will kebab you. Don't say that. तो ओके. सो अगला कमेंट है ब्यूटीफुल सिटी. बिल्कुल अच्छी सिटी है भाई. बहुत बेहतरीन सिटी है हमदान. भाई इंडिया वापस कब आ रहे हो? हमदान बहुत अच्छी सिटी है. बहुत सुंदर सिटी है और बहुत साफ सुथरी सिटी है. भाई इंडिया कब वापस आ रहे हो? भाई मैंने आपको बता दिया एक महीने से ज़्यादा का समय लगेगा और मैं फिर इंडिया में आपको नज़र आ जाऊँगा, देखूँगा. तो दोस्तों ये सारी कमेंट्स मैंने आपको आपका जवाब दिया इसीलिए क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे थे कि मैं किसी की कमेंट्स का जवाब नहीं देता हूँ. लेकिन ऐसी बात नहीं है. और कल की वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स मिली इसलिए मुझे ये जो है वीडियो आप सबके लिए जवाब देना पड़ा इस वीडियो में आप सबकी कमेंट्स का. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो. और ओम नमो नारायण नारायण.